मैं शाहिद मुंबई से आपको लेकर चलता हूँ वाग्नी एक्सआरबिया डेवलपर। आज मैं आपको इस वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा इस एक्सआरबिया डेवलपर की। दादागिरी, झूठ, मकरोफरेब, सब कुछ आज इनकी पूरी कलाई खोल के रख दूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो लॉकडाउन के पहले का है। मेरे पास एक कॉल आई थी कि आपका G8 जो बिल्डिंग है उसका पेमेंट नहीं मिला है, आप पेमेंट करें। मैंने कहा कि क्या काम शुरू हो गया है, तो उन्होंने बताया कि हाँ काम शुरू हो गया है, आप पेमेंट करते हैं। मैंने कहा कि पहले मैं जाकर देखूंगा कि काम शुरू हुआ है कि नहीं, तो मैंने जाकर देखा। हेलो हेलो, हाँ सर, गुड इवनिंग, प्रियंका बात कर रही थी, एग्जीक्यूटिव डेवलपर से, मोहम्मद शाहिद कुरैशी जी से बात हो रही। हेलो, आवाज़ बहुत कम आ रही है। सर मोहम्मद कुरैशी जी से बात हो रही है। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। सर ये आपने वांगनी में फ्लैट बुक किया हुआ है G8503 एक्सबर्बिया। हाँ, इसका सर आपका क्या बोलते हैं, आप लोन के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं बैंक LNT के? असल में अभी तक मुझे अपडेट दिया नहीं है कि क्या काम हुआ है उसमें, कुछ बेसिस पड़ा है कि नहीं। पिछली बार एक्सपायर हो गया था, पेंशन एक्सपायर हो गया था। नहीं, आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड आ रहा है, आपको क्या बोलते हैं लोन पहले आप डिसबर्समेंट करवाइए ना, आपका 1,94,000 का आउटस्टैंडिंग आया हुआ है। एक बार लोन करवाया था तो एक्सपायर हो गया था, उसके लिए अभी तक मुझे कुछ आपकी तरफ से अपडेट मिला नहीं कि काम शुरू हुआ है कि नहीं। सर काम शुरू हो गया है वहाँ पे वांगनी में। हाँ। और आपको 2020 में परचेज ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आया है वो तो क्लियर करवाइए आप। कौन सा आउटस्टैंडिंग? 1,94,000 का। मैंने अपनी आंखों से जाकर देखा कि वो खड्डा उसी तरह पड़ा हुआ है जिस तरह एक साल पहले मैं जाकर देखा था। उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि काम शुरू हो गया है। उसके बाद फिर उनका कॉल आता है, तो मैंने कहा कि वहाँ पे तो कुछ भी काम नहीं हुआ। सुनिए कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो जी बोलिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, प्रियंका बात कर रहे थे। प्रियंका, अच्छा आप बोल रही हैं। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये आपका आपने जो वांगे में फ्लैट बुक किया था ना G8503। हाँ, इसका लोन सैंक्शन के लिए आप LNT के ऑफिस आपने विजिट किया है या नहीं एक बार? अभी लोन तो मैं पहले करवा चुका था और एक्सपायर भी हो गया है, वो HDFC से करवाया था और सैंक्शन एक्सपायर हो गया उसका। तो फिर अभी आप क्यों सर, क्यों आपने मतलब सैंक्शन क्यों नहीं करवाया? क्योंकि आपकी बिल्डिंग रेरा से पास नहीं हुई थी, आपकी तरफ से लेट हुआ था आपने। अभी तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। कहाँ स्टार्ट हुआ है, मैं तो विजिट करके आया हूँ। कहाँ स्टार्ट हो गया है? स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। सर सुनिए ना, अभी फिलहाल आप LNT से अपना ये जो लोन है वो करवा लीजिए, और जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना 1,95,000 वो आप क्लियर कर दीजिए। कैसे क्लियर करूँ, आपकी तरफ से कोई काम शुरू नहीं हुआ है और आप किस बेस पे पैसा मांग रहे हैं? काम वो तो हो जाएगा ना सर, काम कैसे हो जाएगा? आप काम शुरू करें, बेस तैयार करें, मैं पेमेंट करूँ? नहीं तो आप ये करवा के तो रखिए, आप लोन आप मैम से बात करिए। एक बार लोन करवा चुका हूँ, एक्सपायर हो चुका है। कितना झूठ बोल रही है, रेरा से बिल्डिंग पास नहीं हुई, इसका प्रूफ मैं लास्ट में दूंगा। काम शुरू नहीं हुआ फिर भी बोलती कि काम शुरू हो चुका है, और जब लाजवाब हो गई तो कहती है मैम से बात करिए। हेलो जी, जी सर बताइए। आपकी तरफ से ये बताया गया कि आपका आउटस्टैंडिंग कुछ पेमेंट है वो पे करना है, और सेंक्शन का काम जो है स्टार्ट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन का जी, काम जी। तो मुझे डाउट था, मैं संडे को विजिट करके आया, दो फोटो भी भेजा हूँ। तो जिस तरह एक साल पहले वो खड्डा पड़ा हुआ था, इसी तरह अभी भी एक वो खड्डा पड़ा हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हुआ नहीं है। तो किस बेस पे, मेरी बात पहले सुन ले, फिर मैं आपकी बात गौर से सुनूंगा। किस बेस पे आप, आपकी कंपनी मुझसे पैसा मांग रही है जबकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हुआ है? अब आप बोलिए। हाँ, मैं बेस की बात बताती हूँ अभी। सबसे पहली बात, आपने ये जो फ्लैट बुक किया है उसका एग्रीमेंट कॉपी है आपके पास? है, करेक्ट।
इसके एग्रीमेंट कॉपी का जो क्लॉज नंबर है ना, मैं आपको मैसेज करती हूँ, वो क्लॉज नंबर पढ़िए। दूसरी बात, आपने जो बुकिंग करते वक्त जो फॉर्म फिलअप किया था वहाँ पे लिखा था बैंक लोन करवाऊंगा, राइट? हाँ। तो बैंक लोन आपको करना है सबसे पहली बात। बैंक लोन में करवाया था, आपको मालूम नहीं है? मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, जरूर मैंने आपकी पूरी बात सुनी सर। अब आप पूरी बात सुन लीजिए, आपने अभी 10% पे किया है, वो हमारा बुकिंग अमाउंट चला गया, करेक्ट? रिमेनिंग जो 90% है वो आपको बैंक से करवा के देना है। उसमें से जो है अभी फिलहाल प्रिंट के पहले का जो ये है वो स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे एग्रीमेंट का जो वैल्यू रहता है वो 1,95,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग में है आपका, वन थिंग। दूसरी बात, इसके ऊपर जो है आपको बैंक लोन करवा के मुझे 90% दे के रखना है। जब भी मेरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा एज पर दैट बैंक की तरफ से उनको रिक्वेस्ट जाएगा डिसबर्समेंट के लिए, आपका कंसेंट लेने के बाद यहाँ पे डिसबर्समेंट मेरे पास आ जाएगा। तीसरी बात, आप एग्रीमेंट कॉपी को पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है कि एज पर डेवलपर डिमांड एज पर कंस्ट्रक्शन शेड्यूल यू हैव टू पे द क्लियर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपको लोन नहीं करना, आप लोन मत कीजिए। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है अभी 1,95,000 का, वो मैं आपको अभी डिमांड लेटर भेज दूँ, आपके ईमेल आईडी पे भी भेज दूँ। ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो आपको वैसे भी आता ही, हमारे इनसे कॉलिंग भी होता है, तो वो 1,95,000 आप क्लियर कर दीजिए। जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा नया पर्सन, जब प्लिंथ का काम होता है ना, तो 45% अमाउंट रिक्वायर्ड रहता है, तो वो 45% के पहले आपको आपका लोन सैंक्शन करवा के मुझे देना होगा। ये दो ऑप्शन में से आपको जो वैलिड लगता है, जो करेक्ट लगता है, वो आप मुझे बता दीजिए, मैं आगे की प्रोसीजर करवा देती हूँ, ठीक है? हो गया? मैंने आपको पूरा पैसा नहीं मांगा है, 7,00,000 का हो गया। मैंने आपको सिर्फ 2% का, जो आपका अभी 2,00,000 का आउटस्टैंडिंग है, 1,95,884 वही डिमांड। सवाल करूँ जी? बोलिए। 1,96,000 कितना परसेंट है, किस चीज का है? ये आपको मैं डिमांड लेटर भेजूँ ना, वही तो बोला मैंने। नहीं आप बताए ना, मैं अभी क्लियर हो जाए ना। बुकिंग के बाद एग्रीमेंट टू सेल जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 35% है उसमें। हाँ, तो वो परसेंटेज जो है एग्रीमेंट में 35% है। हाँ, तो वो दे दीजिए ना सर। 35% मेरा बैंक दे तो रहा था, आपकी कंपनी ने डिमांड लेटर ही नहीं। कौन से बैंक? HDFC बैंक से लोन करवाया था ना मैंने। कब करवाया था सर? जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ था। कभी 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 जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ था, जिस हफ्ते एग्रीमेंट हुआ था ना हमारा। सर आप हमें बताएंगे, आपके बैंकर का नंबर दीजिए, मैं बैंकर को अभी फोन कॉल पे लेती हूँ, मैं उनको पूछती हूँ कि हमारे एंड से डॉक्यूमेंट कैसे नहीं दिया गया। मेरे एंड से बैंकर को बिल्डर NOC गया है, मेरे एंड से डिमांड लेटर गया है, मेरे यहाँ से पूरा डॉक्यूमेंट गया है, आपके बैंक ने डिसबर्समेंट नहीं किया है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है ना सर? नहीं, आपकी गलती है, आपको रेरा ने, मेरी बात सुनो, मैं बहुत पूरी बात सुनाऊंगा आपकी। आपकी तरफ से इसलिए लेट हुआ है कि आपने प्रूफ नहीं दिया है कि आप काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि रेरा ने उस बिल्डिंग पे रोक लगा के रखी थी, रेरा ने पास नहीं किया था। ये आपकी मजबूरी थी कि HDFC से आप अपना डिमांड लेटर के मुताबिक पैसा नहीं लेता है 35%। वो आप जो बात कर रहे हो ना, 20 नवंबर 2017 की बात कर रहे हो, 2 साल हो गए। दूसरी बात आप मुझे, मैं अभी क्लियर बताती हूँ, जब रेरा आया था तो पहले जो है वांगनी प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 ही फेज थे, अभी वहाँ पे 4 फेज है, वो अपडेशन के लिए टाइम लगा था, करेक्ट? 2017 6 महीने का वैलिड रहता है सर। आपको मैं अभी रेरा रजिस्ट्रेशन डेट भी देती हूँ और नंबर भी देती हूँ, आप जाके काम करो, सेंशन लेटर आपके पास है, आप देख लो की ये कब की बात है। और 20 नवंबर 2017 की बात है, मैं आपको वो बता रही हूँ, 4 महीना पहले एक्सपायर हुआ है सर। 20 नवंबर 2017 का सैंक्शन लेटर मेरे पास है अभी भी। हाँ, तो वो 1 साल चलता है ना? नहीं चलता, 6 मंथ रहता है वैलिड। 1 साल में एक्सपायर हुआ नहीं होता है, चेक कीजिए आप बैंकर से बात करिए, बात करती हूँ, आपके लेटर पे भी लिखा है वैलिड फॉर 6 मंथ 180 डेज, अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर लीजिए फिर से एक बार। तो क्यों एक्सपायर हुआ? क्यों हुआ मतलब, आपके यहाँ से उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजने के बाद भी डिसबर्समेंट नहीं करवाया, क्योंकि आपने जो है प्रूफ नहीं दिया था, क्योंकि रेरा से वो बिल्डिंग पास नहीं हुई थी। अभी जो सिचुएशन है, मैं विजिट करके आया हूँ, वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अभी सुनिए, ठीक है, आपको ये जो सब बातें करनी है ना, सब्जेक्ट टू टेकिंग एन अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस और फुल अमाउंट टू फर्स्ट डिसबर्समेंट, इसमें इंश्योरेंस का अमाउंट भी आपका एड किया गया था। ये जो डॉक्यूमेंट्स आप बोल रहे हो ना, ये सब हमारे एंड से गए हैं, बैंक ROC ही गया है आपके बैंकर को, आप एक बार कंफर्म कर लीजिए उनके यहाँ पे। सेकंड थिंग, नहीं करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ROC जो है वो गया था,
लेकिन उसके बाद कंपनी 78,000 रुपए मांग रही थी तो हमारी बैंक ने नहीं दिया। क्यों 78,000 का बेस मांग रही थी कि 78,000 किस बेस पे मांग रहे हैं, क्या चीज है वो 78,000 रुपए का लेटर मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। 78,000 का पहला जो पेमेंट शेड्यूल रहता है उसके हिसाब से ही मांगा है। नहीं नहीं, 35% का डिमांड लेटर मांग रही थी HDFC कंपनी। मैंने आपकी कंपनी डिमांड लेटर रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट कॉपी पे जाइए, वहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट, लिखा हुआ है मैं देखता हूँ 35% है। पूरी बात सुनेंगे अभी। विदाउट कंस्ट्रक्शन डेवलपर जो है मिनिमम 20-30% तक का डिमांड कर सकती है। नहीं एज पर क्लॉज लिखा है सर, आपने साइन किया, ये रेरा में भी वैलिड है, तभी हमने आगे फॉरवर्ड किया पॉइंट। मैं आपको वही बता रही हूँ, जो लिखी हुई है, जो स्लेब लिखी हुई है, दो अपोजिट चीजें नहीं मानी जाएंगी। जो स्लेब लिखी हुई है वहाँ पे किस तरह मुझे पेमेंट करना है साफ साफ पेज में लिखा हुआ है। आपका जो स्लैब लिखा है ना, जो माइलस्टोन लिखा है ना, उसमें एग्रीमेंट करके एक ऑप्शन है, करेक्ट है ना? वो एग्रीमेंट का एक ऑप्शन ओपन कीजिए और उसमें देखिए आपका आउटस्टैंडिंग कितना है और कितना अमाउंट आपको देना बाकी है। एक काम देखिए सर, मुझे बताइए, ये रजिस्ट्रेशन कॉपी है जिसे रजिस्ट्री भी कहते हैं, गवर्नमेंट की रजिस्ट्री, इसमें स्लैब लिखी हुई है 10% बुकिंग अमाउंट, 35% अमाउंट ऑन completion of the plinth of the side building, मतलब plinth कहते हैं basement को, जब basement पूरा तैयार हो जाएगा उस वक्त 35% आपसे लिया जाएगा। और ये पता नहीं कौन से agreement की बात कर रही है, झूठ बोल रही है ये। अभी फिलहाल के लिए ना आपको लोन नहीं करना मत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल के लिए जो 1,95,000 का ऑप्शन नहीं है वो आप क्लियर कब करोगे? आपने कुछ किया ही नहीं, एक साल से वो खट्टा इसी पड़ा हुआ है जो कल परसों देख के आया हूँ, एक साल से पड़ा हुआ है। आप मैं किस बेस पे 1,99,000 दे दूँ तुमको? नहीं देना है ठीक है सर, मत दीजिए, मैं आपका केस आगे लीगल में फॉरवर्ड कर देती हूँ, बिकॉज हमारे एंड से लीगल में क्लियर है सब कुछ, आपको डॉक्यूमेंट भेजे गए थे, आपको क्या लीगल में आपका जो है अपडेट है मुझे दें, मुझे दें। अरे सर मैं रेरा में रेरा अप्रूव आपको प्रोजेक्ट का नंबर दे रही हूँ, रेरा अप्रूव मेरा डॉक्यूमेंटेशन है, मैसेज एनए ऑर्डर मिला है, सब कुछ मेरे पास है, वो आप मुझे बोल रहे हो देखने के लिए। सर आप जाइए एक्सर्वे की वेबसाइट पे, सुनिए एक्सर्वे की वेबसाइट पे जाइए, वांगनी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कीजिए, आपको वहाँ पे सब लीगल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। मुझे रेरा ने खुद अप्रूवल दिया है तो आप मुझे ये बता दीजिए लीगल कभी दिया है रेरा, आप जाइए और चेक कर लीजिए, मैं आपको ये सब कुछ अभी बता नहीं सकती। झूठ बोल रही है, रेरा ने बिल्डिंग ही रिजेक्ट करती, G8 और G9 को रिजेक्ट मार दिया, कभी नहीं बन सकती। इसने बहुत सारे झूठ बोले हैं, पहले फेस 3 था, बाद में रेरा की तरफ से फेस 4 करना पड़ा इनको, और ये कहती है पहले फेज 2 था फिर फेज 4 हो गया। और नहीं बताना चाहती हूँ बिकॉज आप मुझे वही बात पे घुमा रहे हो, मैं आपको वही बता रही हूँ कि आपको नहीं पूरा 7,00,000 पे करना मत कीजिए, बैंक लोन नहीं करना मत कीजिए, ये जो 1,95,000 आउटस्टैंडिंग है वो आपको क्लियर करना, नहीं सुनिए आप मुझे वैसे मेल पे लिख दीजिए कि मैं रेडी नहीं हूँ पे करने के लिए, मैं ये केस अभी लीगल कोर्ट में फाइल करने के लिए भेज देती हूँ। आपको नहीं बात करनी है मुझसे, आप एडवोकेट से बात कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लीगल बॉस बोल रहे हो ना, आपका कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ और यही नहीं हुआ वो नहीं हुआ, डिमांड लेटर के हिसाब से मेरा अभी 1,95,000 का डिमांड है, एग्रीमेंट में वही लिखा है, आपने एग्रीमेंट पे साइन भी किया है एंड इट इज अप्रूव्ड बाय रेरा। एग्रीमेंट में साइन करने के बाद मैंने लोन करवाया था और लोन करवाने के टाइम पे जो जरूरी डॉक्यूमेंट था आपकी कंपनी ने HDFC को दिया नहीं, वजह से सेंक्शन एक्सपायर हो गया और उसके बाद हमारा 5,000-6,000 रुपए खर्चा हुआ था वो कौन देगा? और दोबारा आप लोन करवाने की बात कह रही हैं तो दोबारा भी अगर सेंक्शन एक्सपायर हो गया और फिर मेरा वो खर्चा आएगा तो वो कौन देगा? क्या मैं इसी तरह धक्का खाता रहूंगा क्या? आप L&T में जाइए, L&T की तरफ से जो है आपने जो HDFC में प्रोसेसिंग फी पे किया था ना, मुझे उसका रिसीट अभी भेज दीजिए, मैं आपका अप्रूवल लेती हूँ, L&T में आपको प्रोसेसिंग फी पे करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे 2 दिन में सैंक्शन लेटर ला के दीजिए, L&T की तरफ से 2 दिन में सैंक्शन मिलता है, एक ही दिन में मिलता है, एक दिन विजिट करना है आपको, फिर
को एप्लीकेंट के साथ एक ही दिन विजिट करना है, लोन फंक्शन लेटर आपको एंड ऑफ द डे हाथ में मिलेगा। अरे अमाउंट पे करने के बाद क्या गारंटी है कि आप उस पे काम करेंगे? पेमेंट देना ही नहीं है, देना ही नहीं है पेमेंट, वही बता रही हूँ मैं आपको, पेमेंट देना ही नहीं है उसको। मैंने क्या कहा आपको, आप मुझे एचडीएफसी में जो आपने प्रोसेसिंग फी पे किया था उसका रिसीट का फोटो भेज दीजिए, मैं अप्रूवल लेती हूँ एलएनटी की तरफ से, आपका विदाउट प्रोसेसिंग फी लोन सैंक्शन होगा, आप मुझे उसका सैंक्शन लेटर भेजिए, मैं आपको एक बैंक का डिसबर्समेंट दे देती हूँ 2 लाख का, जो आपका एलएनटी से करवाऊंगा, मैं एचडीएफसी से ही करवाऊंगा। तो एचडीएफसी से करवाना तो वहाँ से अगर तो वो जिस तरह आप चाहें जितना चाहें पैसा निकाल सकते हैं, एचडीएफसी से तो आपकी जो है वो चलती नहीं है कि आप गबन करके निकाल लें। सर ये जो बात कर रहे हो ना वैलिड बात कीजिए, आप कहाँ पे बाजी में सब्जी मार रहे हैं, प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, आपको फोटो भेजा हूँ देखने, प्रूफ प्रूफ है ना, पड़ा हुआ है मेरे। सर मैं डेली वांगनी विजिट करती हूँ, मुझे पता है क्या है वहाँ का सिचुएशन क्या नहीं है, आप मुझे ये मत बताइए, आप सब्जी मार्केट में बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ बैठा हुआ है सेल करने वाला, मैंने उसको कहा कि काम शुरू नहीं हुआ, उसने खुद ही बताया काम शुरू नहीं हुआ, तो हमने कहा पैसा क्यों मांग रहे हैं, तो उसने कहा फोटो खींच के भेज दो कि अभी काम शुरू नहीं हुआ। कौन बात की बात के किसने बात की, मैंने नाम नहीं पूछा था, वहाँ पे दो ही तो आदमी थे, उसने कहा वहाँ पे जो भी बंदा बैठा रहेगा अगर वो कोई भी जो ये रहते हैं मिस्त्री टाइप करते हैं, उसको अगर पता नहीं है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, आपको अगर कुछ भी बोलेगा कल मुझे आपके बारे में कोई कुछ भी बोल देगा मैं सुन लूंगी, मैं भी बिलीव कर लेती फिर, मैं भी बोल देती आदमी है ना सर, मैंने क्या कहा वो हमारा आदमी है नहीं, कहाँ का प्रूफ है आप, मैं भी बोलती हूँ की आपने मुझे गाली दी सर, आप बोलो कोई भी उठ के कुछ भी बोलेगा तो आप बिलीव कर लोगे, नहीं करना है ना सबसे पहली बात। दूसरी बात अभी आप जो कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट जवाब सुन लो, आपने अभी तक जो कुछ बोला है मैं कैसे मान लूं कि आप रीगल स्कॉर्पियो की तरफ से हैं, मैं कहता हूं कि ये फ्रॉड कॉल है, ईमेल भेज देती हूं नहीं ये फ्रॉड कॉल है, ईमेल तो कोई भी भेज सकता है, ठीक है ये फ्रॉड कॉल है ना सर, ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं लीगल टीम को भेज देती कोर्ट में, आप उनसे बात कर लीजिए। हां ठीक है ओके। दादागिरी देख रहे हैं ना, एचडीएफसी से लोन करवाया था, वहाँ पर इन्होंने 78,000 रुपए का डिमांड लेटर भेजा था, मैंने जाके पता किया तो उन्होंने कहा कि 78,000 किस चीज़ का है, हमने कहा 35% के 78,000 बनता है क्या, उन्होंने कहा वही तो अभी बेसमेंट भी तैयार नहीं हुआ और ये पेमेंट मांग रहे हैं, मैं थोड़ी दूंगा, और इनका पूरा जोर है कि एलएनटी से आप फाइनेंस करवाएं, एलएनटी तो इनका पार्टनर है, जब भी इनका दिल करेगा उतना अमाउंट निकाल लेंगे, हमारा दोस्त है उसका भी जो है अभी तक इसी बिल्डिंग में, बेसमेंट तैयार नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ और उनके अकाउंट से पैसा जा रहा है, लोन से पैसा निकलता रहता है, एचडीएफसी में इनकी दादागिरी चलती नहीं है। इसका नाम प्रियंका था, और भी कस्टमर की तरफ से जब शिकायत पहुँची तो एक से आरबीआई वालों ने इसको निकाल दिया, उसके बाद दोबारा फिर फ़ोन आता है प्रियंका नाम की लड़की का, तो मैंने कहा आप वही हैं, तो कहने लगी नहीं उनको निकाल दिया गया है, सुनिए। उसके बाद गुस्से में आकर इसने कैंसिलेशन लेटर भेज दिया मेरे पास, स्टाम्प तो है उसके अंदर, मैंने प्रूफ के तौर पे जमा करके रखा है उसको, लेकिन उसके अंदर डेट नहीं डाला, कहीं पर कोई तारीख नहीं पड़ी। उसके बाद फिर 1-2 महीना तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, 1 या 2 महीने के बाद फिर एक कॉल आई, सुनिए। हेलो हेलो हाँ मोहम्मद शाहिद कुरैशी जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ सर। गुड इवनिंग, प्रियंका श्रीवास्तव बात कर रही थी सर, एक्सर्बिया डेवलपर से। जी बोलिए सर। ये आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आया हुआ है 1 लाख समथिंग का, 1,95,000 का, तो ये आप कैसे पे करेंगे, बैंक लोन के थ्रू या फिर सेल्फ फंडिंग करेंगे? आउटस्टैंडिंग कैसे हो गया, पहले भी मेरी बात हो चुकी है आपसे, और मैंने बात नहीं किया है, मेरी मैनेजर है प्रियंका कटारिया, उन्होंने बात किया होगा, बिकॉज उनका भी नाम प्रियंका है, मेरा नाम प्रियंका श्रीवास्तव है, मैं यहाँ पे अभी लीगल टीम पे हूँ, तो ये जो केस है ना ये अभी मेरे पास फॉरवर्ड होके आया हुआ है, आपकी बुकिंग जो है वो 2017 की है, 2017 की है, और मैंने एचडीएफसी से लोन करवाया था। हाँ, और पेंशन लेटर एक्सपायर हो गया क्योंकि आपकी कंपनी डिमांड लेटर नहीं दे सकी, उस वक्त प्रॉब्लम थी आपकी तरफ से कि रेरा से पास नहीं हुआ था। हाँ
अभी वेरा से तो पास हो गया है और मुझे बताया गया था कि काम शुरू हो गया, तो मैंने विजिट किया था जाके। तो एक साल पहले जब विजिट किया था तो वो खड्डा जो पड़ा हुआ था जीएच का, वो अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है, तो काम शुरू नहीं हुआ। और मुझे डराने धमकाने के लिए इंटरेस्ट से बताया जाता है और फिर एक लेटर भेजा जाता है कि आपका आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई है। तो ऐसा नहीं है, वो डराने धमकाने के लिए नहीं रहता, एक प्रोसेस होता है ना। आपको जो एग्रीमेंट पेपर मिला होगा ना, उसमें भी लिखा होगा कि जैसे जैसे स्लैब रहेंगे ना, स्लैब वाइज आपको पेमेंट जो है वो करना है। उस स्लैब में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि वो चार्जेस लगते हैं, वही चार्जेस जो है ना वो इंटरेस्ट आपका जो भी आपको जिन्होंने भी कॉल किया होगा ना, वो उन्होंने यही बोला होगा कि वो जो इंटरेस्ट है वो उसी चीज का लग रहा है। हाँ, तो मुझसे झूठ बोला था ना, मैंने फिर विजिट किया, मुझे बताया गया कि स्लैब शुरू हो गई, यानी बेस तैयार हो गया है। तो हाँ, जब मैं जाकर विजिट किया तो वहाँ तो खड्डा पड़ा हुआ है, कुछ काम भी नहीं हुआ। लेकिन लेकिन सर, वांगे का जो पोजीशन है ना, वो अभी क्या बोलते हैं आपका 2020 में ही है। ये भी झूठ बोल रही कि 2020 में पोजीशन लेटर मिल जाएगा, सवाल ही नहीं उठता कि 2022 से पहले मिल जाए, झूठ बोल रही है। और जब रेरा से पास नहीं हुआ तो कहाँ से पोजीशन लेटर मिल जाएगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन में, असल में कंपनी जो आपकी है वो हर काम एक तरफा करती है कस्टमर को दबाने के लिए। कस्टमर से जो डील हुई थी बुकिंग के टाइम पे, वो बताया गया था 2019 मार्च में पोजीशन मिल जाएगी, ये बोलकर जो है उन्होंने बुकिंग लिया था, जुबानी, कोई लिखित में नहीं थी, क्योंकि लिखित तो देती नहीं है ना कंपनी किसी को, कोई पौते नहीं देती है, कोई उससे कोई एग्रीमेंट नहीं होता। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उन्होंने 2022 लिखा दिया, तो अब बुकिंग तो हो चुकी है, मैं कैंसिल करता हूँ तो 10% मेरा कट जाएगा। नहीं नहीं सुनिए, देखिए सर, वो क्या होता है ना, जो आपका बुकिंग डेट उसमें रहता है ना 2022, वो सिर्फ आपके बिल्डिंग्स का नहीं रहता, आप जहाँ पे बिल्डिंग दे रहे हैं वहाँ पे और भी कस्टमर्स है ना, उनका होगा, तो सबका मिला करके क्या रहता है 2022 तक आपको सारे जो बिल्डिंग्स हैं और भी कस्टमर्स हैं उनको सबको मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो एग्रीमेंट पेपर में है उसमें 2022 लिखा होगा, लेकिन जो आपका बिल्डिंग है ना G8503, वो आपका जो पोजीशन है ना, वो अभी क्या बोलते हैं May 2020 का है उसमें। अच्छा, 20 का। हाँ, 2020 में अभी काम शुरू नहीं हुआ तो 20 में कैसे मिल जाएगा। हाँ सर, एक सेकंड, मैं आपको ना वांगने का जो अभी काम स्टार्ट हुआ है ना, काम जो है ना उसका मैं फोटो, आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या इसमें? हाँ, व्हाट्सएप नंबर है और मैं भी फोटो भेजता हूँ, मैं फ्राइडे को गया था वहाँ। 9221003785। हाँ, एक मिनट आप लाइन पे रहिए, मैं अभी पूछती हूँ। ठीक है, बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है कंस्ट्रक्शन। 2 महीने के बाद फिर मैं यहाँ आया था वाग्नी, और वो खड्डा उसी तरह पड़ा हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं फ्राइडे को गया था। इसको खुद भी नहीं मालूम कि काम शुरू हुआ है या नहीं, जबकि काम शुरू नहीं हुआ, अब वो सर्च कर रही है। हेलो, हाँ बोलिए सर। ये अभी तो नहीं हुआ है वहाँ पे, ये बारिश की वजह से, बाकी जैसे ही ये थोड़ा सा काम होता है ना वहाँ पे वर्क स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो मैं पैसा, मैं कैश पैसा दे दूंगा यानी चेक दे दूंगा जैसे ही काम शुरू होगा। आप ये कैश में करेंगे जैसे ही स्टार्ट होता है वर्क? हाँ हाँ, कैश यानी चेक बैंक के जरिए। ठीक है, चलेगा। आप फिर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन मुझे पता तो चलना कि झूठ बोल के आदमी काम करवाएगा तो बुरा लगता है उसमें। नहीं, करेक्ट करेक्ट, मैं समझ रही हूँ आपके बात। और अच्छा, एक बात बताओ, मेरे पास लेटर एक आया है इसके आर्बीआर से कि आपकी बुकिंग कैंसिल हो गई है, आप दूसरा परचेज करें। सर, वो इस वजह से आया होगा बिकॉज आपका, आपने टाइम में पेमेंट नहीं किया है, इस वजह से वो लेटर आपके पास आया हुआ है। सर एक सेकंड, लीगल टीम से एलिस मैडम आपसे बात करना चाहती है। हेलो, हाँ नमस्ते सर, एलिस बात कर रही हूँ मैं। जी, आपसे बात हुई थी ना पहले? मेरे से बात हुई थी आपकी, बोलिए ना सर। मेरे पास एक लेटर आया है कि वो G8503 की जो आपकी बुकिंग थी वो कैंसिल कर दी गई है, आप दूसरा परचेज करें। आपने जो पेमेंट दिया था 78,000, उसमें से 10% कट के बाकी का रिफंड हो जाएगा।
आपने कहा 78,000 दिया है सर, 9.52% आपने पे किया हुआ है सर। हाँ मुझे वही मैं बताने वाला था कि उनको ये भी नहीं पता कि मैंने पे कितना किया है, बस डराने धमकाने का काम है इन लोगों के पास। नहीं ऐसे नहीं होता है सर। अभी जो देखिए आपको मैं बता देती हूँ कि आपका पेमेंट शेड्यूल जैसे ही जिसको प्रकार से आपको दिया गया है आपके पास भी रहेगा राइट। आपको चार इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं 19,260 रुपीज के। उसके बाद आपका एग्रीमेंट पे आता है तो आपको पे करना होता है 20% एग्रीमेंट वैल्यू के, जो आता है 1,54,080 रुपीज ठीक है। जैसे प्लेन का काम शुरू हो जाता है 1,15,560 रुपीज का। हाँ अभी आपने एक बात कहा है जिससे जैसे फ्लैट का काम शुरू हो जाता है, मैं विजिट करके आया हूँ फ्राइडे को, वहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ, मुझे पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी तरफ से तो पैसा है ना सर, मेरी बात सुन रहे, आपकी तरफ से जितने भी कॉल आए हैं यानी एस आर बी एस से, उनका ये कहना था कि काम शुरू हो चुका है आप पेमेंट करें, तो मैं पेमेंट करने को तैयार था, लेकिन एक बार मैं अपनी आंखों से देख लेता उसके बाद मैं उनको बोला था कि पेमेंट कर दूंगा। तो जब मैं वहाँ गया और विजिट किया तो एक साल पहले जैसा खड्डा पड़ा था वैसे अभी भी पड़ा हुआ है। अभी भी मैं पैसा देने को तैयार हूँ, थोड़ा भी अगर काम स्टार्ट हो गया और आपने अपडेट दे दिया नहीं, तो मैं पेमेंट दे दूंगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे पैसा दे दो ठीक है। अभी फिलहाल मैंने इसके लिए बात कर रही हूँ कि हमारा जो है आपको पता ही होगा कि एलएनटी के साथ टाइप हुआ है राइट। मालूम है जैसे ही हमारा जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा तो आपको जो है पेमेंट के लिए या फिर लोन के लिए कोई भी दिक्कत आती है तो ये टाइप जो है हार्डली कुछ दिनों के लिए है। नहीं लोन तो नहीं कराऊंगा क्योंकि सेंशन एक्सपायर हो गया है, 6 महीना हो गया, 8 महीना पहले ही एक्सपायर हो चुका है। वही बोल रही हूँ सर, देखिए आपको जो है अभी अगर आप एनएनटी से लोन करवा के लेते हो तो अभी इसमें बेनिफिट क्या होगा, लेस पेपर है जैसे कि दोनों का सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड उतना ही देना है, आपका अपडेट वाला बैंक स्टेटमेंट देना है और साथ में दो फोटो, रेंट का घर है तो रेंट एग्रीमेंट या फिर खुद का घर है तो उसका लाइट बिल इतना ही देना है और 15 चेक। अच्छा 15 चेक लगेंगे। हाँ इतने से डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है लोन पास हो जाएगा। 15 चेक सर सिक्योरिटी डिपॉजिट चेक रहता है वो, जैसे कि आप पर्सनल लोन भी करने जाते हो तो आपको एक सिक्योरिटी के तौर पर चेक मांगते हैं ना। तो 15 चेक देने के बाद अगर कोई जब लोन हो रहा है तो 15 चेक कौन लेगा, एलएनटी सर सिक्योरिटी। हाँ सिक्योरिटी के दौर में, लेकिन गलत है ये, नहीं लेते हैं, एक चेक लगता है। एक चेक नहीं सर 15 चेक लगते हैं। ये भी ठगने का एक तरीका है कि 15 चेक दो, क्योंकि लीगल तौर पर बैंक से तो लोन वाले बैंक से ये उठा नहीं सकते, फाइनेंस वाले से अपनी मन मर्जी का अमाउंट उठा नहीं सकते। तो ये क्या करते हैं कि जो आपने ब्लैंक चेक दिया है उसमें ये अपनी मनमर्जी का डेट डालकर पैसा निकाल लेते हैं, ये है इनकी जालसाजी। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सभी लोग होशियार रहें। हमने HDFC से कराया था, एक चेक मांगा था उन्होंने। तो सर वो HDFC है राइट, और HDFC की तरफ से आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए होंगे। इसके अलावा आपके पास आपके पास से पहले उन्होंने ये लिया होगा और प्रोसेसिंग भी लिया होगा, उसके बाद आपको एश्योरिटी नहीं रहती है कि आपका लोन होगा नहीं होगा, क्या दिक्कत आती है राइट। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 865 क्रेडिट प्रोफाइल का नंबर 865 है मेरा और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रेडिट स्कोर अलग रहता है सर, क्रेडिट कार्ड जो ये रहता है, अरे फाइनेंस कंपनियां जो है मुझे 15 लाख से 25 लाख देने को तैयार है, मैं ले नहीं रहा हूँ। आप ले नहीं रहे हो? लोन लोन लेता नहीं हूँ मैं जल्दी से। ठीक है तो मैं यहाँ पे मेंशन करवा देती हूँ वैसे कि आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, 1,95,885 रुपीज का जो आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा हुआ है 25,453 रुपीज का, वो भी आप पे करवा दोगे राइट। इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा? हाँ जी, क्योंकि 1,95,885 रुपीज का आपका आउटस्टैंडिंग है जिससे आपको 25,450। और जो 93 मेरा जमा उस पर कितना इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि आपके पास 93 रुपीज है तो मैंने बुकिंग में जमा किया था ना। कहाँ पे आपका जो है 2017 में आपने जो लास्ट पेमेंट किया हुआ था हमारे यहाँ पे
टोटल अमाउंट बताओ ना कितना है मेरा। वही बता रही हूँ सर, देखिए 28/4/2017 को आपने 22,252 रुपए का पेमेंट किया था ICICI बैंक से, राइट है। 15 अप्रैल को किया था 22,252 ICICI बैंक से, ठीक है। इसके अलावा 16/11/2017 को 34,889 रुपीज का आपने पेमेंट किया था ICICI वडाला, राइट। तो आपका जो है अगर कैलकुलेशन किया जाता है तो आपका आता है 79,393 रुपीज, जिसपे आपको 6,080 रुपीज का टैक्स बैठा हुआ है। तो एक्सरी पे के पास आपकी जो अमाउंट है वो 73,313 रुपीज। या तो इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है या तो फिर ये झूठ बोल रही है। मैंने 93,000 भरा था और मेरे पास उसकी पावती है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा जो पैसा जमा है वो इतने दिन से आपके पास जमा है, तो उसका इंटरेस्ट कौन देगा? ये है सर, आपने एग्रीमेंट वैल्यू तक क्लियर किया है क्या सर? नहीं किया है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगा हुआ है। इंटरेस्ट आपकी तरफ से जब लेट हुआ है तो आपको भी तो इंटरेस्ट देना चाहिए सर। आपके पास रजिस्टर कॉपी है? हाँ, रखी हुई है अंदर। हाँ, तो उसमें देखिए सर क्या क्या क्लॉज है, उसके हिसाब से आपको कितना। देखो, इंटरेस्ट रेट मैं नहीं दूंगा क्योंकि अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। आप डराए धमकाए नहीं, पहले तो लेटर भेज के मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बुकिंग कैंसिल हो गया। ये लेटर पैड जो मेरे पास भेजा है ना, ये आपको मालूम है कि नहीं सर? वो जो कैंसिलेशन लेटर रहता है वो लास्ट इंटीमेशन रहता है आपको, ठीक है? आपने कोई डिमांड लेटर मेरे पास नहीं भेजा है। फोन जो आते हैं वो उस पर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वो फेक कॉल भी हो सकती है। आपने मेरे पास कोई लेटर नहीं भेजा, लेटर आया है वो कैंसिलेशन का लेटर आया है शाहिद shahid_q@yahoo.com। हेलो, यही है सर ईमेल आईडी? हाँ, ठीक है, मैं यहाँ से आपको जो है डिमांड लेटर भेज देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, आप वो बात नहीं है, अभी तो कुछ भी भेजे, आपने तो कैंसिल कर दिया है ना। तो सर आपको वही मैं बता रही हूँ कि आपका जो है फिलहाल का जो आउटस्टैंडिंग है, अगर आपको जो है वहाँ पे टाइम दिया। नहीं, ये वार्निंग तो आप अभी दे रही है ना, पहले आपने कैंसिल किया है तो आप कैसे पैसा ले सकती हैं मुझसे? ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग कॉल पे वैसे भी आपने बता दिया है कि कैंसिल किया है, तो उस हिसाब से मैं करवा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपने काम शुरू नहीं किया है और मेरे ऊपर इंटरेस्ट किस बात का निकाला है? 25,000 रूपए इंटरेस्ट से दूंगा मैं? ये लास्ट कॉल था आपको, यहाँ इसके आगे जो है डायरेक्टली लीगल डिपार्ट जो लीगल के पास से जो नोटिस होती है वो आ जाएगी। ये कॉल आना ही नहीं चाहिए था, बुकिंग कैंसिल करने के बाद कोई कॉल नहीं आना चाहिए था। इसने भी बड़े खूबसूरती से धमकी दे दिया। ये है इन लोगों का काला चिट्ठा। कुछ दिन के बाद फिर मेरे पास कॉल आता है कि आप बिल्डिंग चेंज कर लें क्योंकि G8 और G9 रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन वो कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी तो है लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ किस नंबर से आई थी। मैंने ना नंबर सेव किया था और ना ऑडियो सेव किया था, लेकिन अभी तक कॉल रिकॉर्डिंग में पड़ी हुई है और हज़ारों ऑडियो में मैं कहाँ से ढूंढ पाऊँगा उसको। लेकिन इसका प्रूफ मिल जाएगा, नेक्स्ट टाइम मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। कल तो आएगी, उसका प्रूफ जब मिलेगा मुझे तो अगली वीडियो में मैं उसको दे दूँगा। लेकिन ये बात हकीकत है कि इनके यहाँ फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। ठग, बनारस के ठग होते हैं ना, वही हाल है इनका। इनकी बिल्डिंग रिजेक्ट हो चुकी है, मेरा 93,000 इनके पास मेरा अमाउंट पड़ा हुआ है और मेरे ऊपर 25,000 रुपए का इंटरेस्ट लगाए हुए हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पैसे का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। हालांकि इंटरेस्ट वगैरह मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन जब बातचीत होती है तो किरास जवाब में ये सारी चीज़ें बोलना पड़ता है और वो एक मेरी से गलती हुई थी। जो लोन करवाया था वो तो अच्छा हुआ कि लोन कैंसिल हो गया। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.